हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्या दोस्तों, फिजिक्स का पार्ट 2। आइए देखते हैं फिजिक्स का पार्ट 2 क्या कहता है, कैसे होगा। दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं जो मतलब बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा रहेगा, और 10 ही क्वेश्चन देखेंगे। क्या है कि 10 क्वेश्चन देखने से क्या होगा दोस्तों, याद हो जाएगा और हमको सोने से पहले याद करके कर लेना है। तो देखिए क्या कहता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब जो है। तो क्या कहता है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में क्या क्या व्यवहार किया जाता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है ना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। सर्च लाइट क्या कह रहा है, सर्च लाइट के प्रावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रावर्तक सतह कैसा होता है दोस्तों, अवतल होता है ना, अवतल होता है। सर्च लाइट का प्रावर्तक सतह अवतल होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, कहाँ गमन करती है दोस्तों, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, दिशा के मतलब किसी दिशा में या उपयुक्त सभी, कैसी प्रकाश का मतलब सीधी रेखा में गमन करती है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। आइए दोस्तों, प्रकाश तरंग उदाहरण है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग का ना, विद्युत चुंबकीय तरंग का दोस्तों उदाहरण है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है दोस्तों, सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा दोस्तों, तो के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्या कहता है, उत्तल दर्पण में प्रावर्तक सतह पर लंबवत गिरती है किरणें फोकस पर कैसी होगी, अपरिसारित क्या होता है दोस्तों, अपरिसारित होती लगती है, होने लगती है या होती लगती है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, गोलीय दर्पण में प्रावर्तन के नियम का पालन करती है। गोलीय दर्पण मतलब क्या, प्रावर्तन के नियम का पालन करती है, क्या होगा दोस्तों, पालन करती है ना, हाँ होती है, पालन होती है या करती है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, गोलीय दर्पण में किसके सापेक्ष मापते हैं दोस्तों, ध्रुवों में ना मापते हैं, ध्रुवों के मापते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, अंतर अनंत पर स्थित किसी बिंदु बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा, तो दोस्तों उसका आवर्धन बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, m बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण लगा होता है दोस्तों, ये हम मैंने पढ़ाया था उत्तल दर्पण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, आप लोग नोट करिए और अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी अवतल दर्पण द्वारा अपरिभाषित मतलब आप आभासी या काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है, कैसी होगी दोस्तों, बिंब की स्थिति जब दर्पण और ध्रुव के उसके फोकस के बीच होगी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ बढ़ते हैं। क्या कहता है, एक अवतल दर्पण वस्तु बिंब की स्थिति फोकस के ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक और बड़ा होगा, नहीं होगा वास्तविक और छोटा भी नहीं होगा, आभासी होगा। जी हाँ दोस्तों, आभासी और काल्पनिक से बड़ा होगा। जी हाँ, ये हम लोग पढ़े थे, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ। क्या कहता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसके मतलब बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है ना, क्या है कि हम लोग पढ़े थे बराबर R/2। जी हाँ दोस्तों, इसी पे आधारित है। जी हाँ, हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ बढ़ते हैं। कहा मतलब कहता है, कहाँ पर स्थित होती है मतलब होने से वस्तु के प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है, तो ऑप्शन देखिए क्या कहता है, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुवों पर या अनंत पे। तो दोस्तों क्या कहता है, स्थित कहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी बनता है, मतलब क्या अनंत पे होगा ना दोस्तों, अनंत पे होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिंदु स्रोत को समानांतर किरण पुंज मिल सकता है, तो किसके द्वारा मिलेगा, अवतल दर्पण के द्वारा ही ना मिलेगा दोस्तों। हम लोग किरण पुंज पढ़े थे, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं दोस्तों। हम लोग आज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव लेते आएंगे, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बाय बाय।